नमस्कार, न्यूज वन 11 देख रहे हैं आप। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के नाम पर जो प्रधानमंत्री बनने के लुभावने सपने देख रहे हैं, वहां ना कोई एकता है ना कोई पक्ष। विपक्ष के सभी दल का एक दूसरे के साथ बरमुटाव है। विपक्ष एकता की संभावना दूर दूर तक नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, श्री ललन सिंह जी क्या सवाल उठाएंगे, उनकी वो हैसियत नहीं है कि वो श्री अमित शाह जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कर सके। वो अपने दल को बचाएं, अपने नेता को बचाएं। अब तो शिवानंद तिवारी जी ने उन्हें आश्रम भेजने की बात कही है, तो प्रधानमंत्री की भी संभावना, जो उम्मीदवार बनने की संभावना थी उस पर भी उन्होंने, राष्ट्रीय जनता दल ने ग्रहण लगा दिया है। और इधर सीएम की भी वैकेंसी नहीं है, उन्होंने कहा यह कि वो आश्रम जाए तो तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बने। तो ना उनको प्रधानमंत्री की संभावना के रास्ते पर उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ले जा रही है, ना बिहार के महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में उनको सामने किया गया है। ये तो अब एक लाचार और मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में ये जितने दिन काम करेंगे वो करेंगे। विपक्षी एकता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, विपक्षी एकता के नाम पर ये जो प्रधानमंत्री बनने के लुभावने सपने देखे जा रहे हैं, तो इस ना कोई एकता है ना कोई विपक्ष है। विपक्ष के सभी दल एक दूसरे के साथ उनका मनमुटाव है, अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकारें हैं तो वहाँ उनके वो प्रतिद्वंद्वी के रूप में है। तो आपको क्या लगता है, जो एक एक राज्य में अगर कोई दल सरकार चला रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ सामंजस्य बैठाएंगे? ये भारतीय राजनीति में ये कुछ चीज़ें हैं जो दूर दूर तक इसकी संभावना है। निश्चित तौर पर देखिए, जब श्री नीतीश कुमार जी का अपना कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है तो जो उनके दल के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो एक राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अधीन हम सब काम करते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में तो सिर्फ नीतीश कुमार जी के कारण जनता दल यूनाइटेड है। वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति निर्णय लेते हैं, लेकिन वो भी उस व्यक्ति को भी आज इतना लाचार कर दिया गया है, और श्री ललन सिंह उन पर इतने हावी हो गए हैं कि वो अपनी बात को भी ठीक से लगता है अब नहीं कह पाएंगे आने वाले दिनों में। संभावना दिख रही है भविष्य में? नहीं, देखिए, भविष्य तो बहुत जदयू का अंधकार में है। जो नेता विहीन या सेनापति विहीन कोई सेना का क्या हर्ष होता है, ये आप सब मीडिया के साथी हैं हमारे, आप बेहतर ढंग से इन सारी चीजों को समझते हैं। न्यूज वन 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।